आज हमारी मस्टैंग जीटी की आखिरी राइड होने वाली है गाइस। मम्मी लेकर के आ चुकी है मस्टैंग जीटी की चाबी और आखिरी बारी स्टार्ट हो गई मम्मी आज। पच्चीस साल में खुद की कमाई से लैम्बोर्गिनी लेने वाले गाइस हम लोग पहले लौंडे बन जाएंगे। इसका नाम लूसी था ना, हमारी जो लैम्बो आ रही है ना गाइस उसका नाम भी हम लोग लूसी रखेंगे। आई गेस कल सुबह या परसों हम लोग थाईलैंड निकल जाएंगे। बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, मोटर खुली हुई थी। ये जो नंबर चेक कर रहे हो ना गाइस, फोर्थ नंबर, ये हमारी फ्लैट की मोटर है गाइस। मैंने ब्लॉग घर पे खत्म कर दिया था बट भव्य और सतीश जी और हर्ष जी फ्लैट पर आ गए थे एंड गलती से मोटर खुली रह गई गाइस। एक्चुअली गाइस रात लेट हो गई थी, कोई फोन नहीं उठा रहा था, तो फिर रात को मेरे को ही जबरदस्ती आना पड़ा गाइस फ्लैट में मोटर बंद करने के लिए। सो कल हम लोग फ्लैट पर ही रुक गए थे। आज का सीन है गाइस, आज हम लोग जा रहे घर। आज हमारी मस्टैंग जीटी की आखिरी राइड होने वाली है, लास्ट राइड, एंड उसके बाद वो हमेशा के लिए चली जाएगी गाइस। सो हम लोग जस्ट घर जा रहे गाइस, अभी मस्टैंग जीटी उठाएंगे एंड उसके बाद लास्ट राइड ऑन मस्टैंग जीटी लूसी गाइस। इसे कौन करता है? एंड गाइस चेक दिस आउट, कौन आया आज हमसे मिलने के लिए? आया भाई, पेट्रोल पंप वाले लोग गद्दों में सोते हैं क्या भाई? आलू के पराठे भी खाते हैं। ये देखो भाई सुबह के आलू के पराठे ये इस लड़की ने बनाए थे, थैंक यू सो मच। जल्दी जल्दी शादी कर ले अर्श, फिर इस फ्लैट में भाभी जी फ्लैट बनाए। भाभी जी घर पर है। सोच या तो तू शादी कर ले या तो मैं शादी कर लेता हूँ। किसी ने शादी जल्दी क्या कर शादी फिर गाइस? मैं शादी कर रहा हूँ लैम्बो से। लैम्बो से? वाओ। बच्चे हमारे क्या होंगे? मिनी कूपर। गाइज हर्ष आ चुका है इतने दिन बाद, उसको देख करके अच्छा लग रहा है। फिलहाल भाई आज आखिरी राइड होने वाली है मस्टैंग पे भाई, सोच। और हम जा कर रहे हैं, हम जा रहे हैं लकी भैया के पास आखिरी राइड के लिए। बट सोच भाई, देहरादून में हम लोग लैम्बोर्गिनी ईवो लेकर के आ रहे हैं। सोच भाई, हम ना केटीएम में घूमते थे कुछ साल पहले, हर्ष तो पैदल घूमता था साइकिल में, अब हम लोग लैम्बोर्गिनी ईवो में घूमेंगे। क्या था मेरे पास? वो तो तेरे पापा के पास था ना भाई। मेरे पापा गाइस बस चलाते थे। गाइस हमारे घर वाले ब्लॉग देखते होंगे, सोचेंगे भयंकर कैसे बच्चे पैदा कर दिए। चल कम से कम हमारे पापा थाईलैंड तो नहीं घूमते थे। गाइस थाईलैंड से याद है, थाईलैंड हर शो मेरा प्लान बन रहा है बिकॉज एक सरप्राइज और है। लाइफ इतनी एक्साइटिंग चल रही है ना। आई गेस कल सुबह या परसों हम लोग थाईलैंड निकल जाएंगे, अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है बट मैं आने वाले ब्लॉग से बता दूंगा। इतनी इतनी सेट चीज करने जा रहे हैं हम लोग थाईलैंड गाइस, हर्ष की बीवी ढूंढने जा रहे हैं हम लोग थाईलैंड से। ठीक है ठीक है ठीक है, लिफ्ट कम लांग लो। सही है ना तेरी, मतलब बाहर से भाभी जी आएगी, सही है ना? हाँ भाई ठीक। फिर हमारे फ्लैट के बाहर अभी कम भीड़ है, फिर उसके बाद ज्यादा भीड़ रहेगी। हर्ष की बीवी को देखने के लिए सब लोग आएंगे भाई, फॉरनर है भाई, है ना? है ना, सही है गाइज। फिलहाल द थिंग इज गाइज, अभी चाय और पराठे बन रहे हैं हमारे फ्लैट में एंड ये रही हमारी चाय। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू बोलना पड़ता है ना, नहीं तो फिर लोग एक्सपोज कर देंगे, क्रेडिट नहीं देते हमें। सुबह वाले चाय पराठे खा रहे गाइस, सुबह सुबह बनाए थे इसने। सो गाइस हम लोग निकल रहे हैं अपने फ्लैट से एंड द थिंग इज हम लोग ना हाइलाइट्स यहीं पर छोड़ रहे हैं। बट आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज मेरे फ्लैट पर मत आया करो। आज भी बहुत सारे बच्चे ना मेरे रूम तक पहुंचे हुए थे। इस बिल्डिंग में ना और भी बहुत सारे लोग रहते हैं, हर वाले फ्लैट पे ना लोग अगर ऐसे खटखटाते रहेंगे तो उनको भी दिक्कत होगी। फिलहाल गाइस हाइलाइट्स हम लोग यहीं पर छोड़ रहे हैं एंड हम लोग लेकर के जा रहे हैं हर्ष वाली थार। बोलना पड़ता है हर्ष वाली थार, नहीं तो फिर बाद में ताना मारते हैं, बोलते हैं भाई मेरी थार मेरी थार, Honestly, GT was my first supercar and आज उस GT पे आखिरी राइड होने वाली है। सो इट्स बीन अ टफ डे फॉर मी, बट लाइफ में ना आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ें हमेशा पीछे छोड़नी पड़ती हैं एंड जब तक भगवान जी साथ दे रहे हैं, बिकॉज जब तक आप चीज़ें लेट गो नहीं करोगे ना तब तक लाइफ में कभी भी नई अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी आपके पास। लेकिन मैं एक चीज़ के लिए बहुत हैप्पी हूँ कि लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने लोगों से कमेंट पूछे थे, यही बिग बॉस या फिर OTT प्लेटफॉर्म, बहुत से लोगों के कमेंट थे बट उसमें से एक कमेंट बहुत कॉमन था कि बाबू भैया आप वो लड़के हो जिन्होंने अपना एम्पायर यूट्यूब पे खुद ही बनाया है, सो क्या फ़ायदा किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने का। सो लोगों ने बहुत मच्योर कमेंट करे यार, बट आई एम रियली हैप्पी गाइस कि लोग इतने मच्योर कमेंट करते हैं। एट द सेम टाइम एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ,
25 साल में खुद की कमाई से लैम्बो गिनी लेने वाले गाइस हम लोग पहले लौंडे बन जाएंगे. एंड द थिंग इज मैं ना लैम्बो अपने लिए नहीं अपने माँ बापों के लिए ले रहा हूँ. मुझे ना अपने माँ बाप को लाइक उस लैम्बो में बिठाना है. ये वाले ब्लॉग ना रील के लिए बचा के रख लेना. मुझे पता है मेरे फैन पेजेस ब्लॉग देख रहे होंगे तो ये वाला सेगमेंट मुझे पता है ट्रिम करके बहुत वायरल होने वाला है. याद रखना एक दिन इसमें अपने माँ बाप को ना लैम्बो गिनी में बिठाऊंगा एंड वो दिन जल्दी आएगा. फिलहाल अभी घर पहुंचते गाइस आखिरी बारी मस्टैंग को देखते हैं लूसी को. सो हेमलो जी हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं हमारे घर. अच्छे के दिन आओ. क्या हाल है और इधर मम्मी क्या हाल चाल. माँ प्रणाम. ओ बिल्ली के बच्चे. बिल्ली के बच्चे वहाँ चेक करो क्या. अरे वो मोटर खुली रह गई फिर हम लोग लेटे. मम्मी बिल्ली के बच्चे पानी पड़ रहा था वहाँ मोटर खुली रह गई फिर वो प्लम्बर. अरे वहाँ हो रहा क्या. अरे यहाँ गीजर रह गया खुला. गीजर गीजर खुला छोड़ दो गाइस. ये चेक करो हमारे सैंडी. नो माँ ये बिल्ली के बच्चे काटेंगे तो नहीं. बिल्ली काटेगी तो नहीं है. हेलो मियाओ. हेलो हाँ पहले सैंडी को अंदर करो. सैंडी को अंदर करो पहले. हाँ खा सैंडी को अंदर. हेलो बीबीज. हेलो मियाओ. हेलो मियाओ. हेलो मियाओ. हेलो हेलो बीबीज. हेलो हेलो मियाओ. कैसे हो मियाओ आप. आपने हमारे घर में बच्चे दिए हैं मियाओ. हेलो मियाओ. गाइस चेक दिस आउट हमारे घर में नई बिल्ली आ रखी है. और गाइस बिल्लियों के यहाँ पर ना बहुत खुजली होती है. अगर आपने यहाँ पर मसल दो ना तो वो एकदम पोलाइट हो जाती है. किसी को भी छूने दे दिया उसने. देखो कितना प्यारा सा है लेकिन ये कितना सुखड़ा सा है लेकिन. ये लो मेरी माँ. ये लो ये लो. हेलो चुनू. हेलो हेलो क्या हाल है. क्या हाल है. क्या हाल है मेरी बीबी की. आज क्या लाया. क्या मट्टा बाबा आज ना. पूछ नीचे हो रही किसकी. क्या हुआ जुलू. क्या हुआ आपको. आपको ठंड में बाहर बूर जाएगा तो होगी तेरी तबीयत खराब. समझ रहे अंदर रहकर मेरी बीबी. तो बॉयज फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे घर. एंड द थिंग इज हम लोग जीटी की लास्ट बार अनलोडिंग कर रहे हैं. भाई साहब क्या कह रही है मम्मी. आज आखिरी बारी जीटी घर से जा रही है. कोई नहीं आवाज जाएगी तो आएगी. चाबी तो ले आओ. चाबी अंदर छूट गई गाइस इसकी. भाई साहब इतना बुरा सा और इमोशनल सा लग रहा है गाइस बिकॉज इस गाड़ी ये मेरी पहली सुपर कार थी और आज इसे आखिरी बार इसका कपड़ा उतर रहा है हमारे घर से. एक्चुअली गाइस यहाँ पर ना बहुत बारिश हो रही है. ये चेक करो पूरा धूल धूल हो रखा है इस पे भयंकर. पूरी गंदी हो रही है. बट अभी कपड़ा मार के साफ कर लेते से फटाफट. गाइस मम्मी लेकर के आ चुकी है मस्टैंग जीटी की चाबी और आखिरी बारी स्टार्ट हो गई मम्मी आज आखिरी बारी. फिर इसके बाद लैम्बो भी तो खड़ी करनी है गाइस. लैम्बो तो घर के अंदर खड़ी होगी. कोल्ड स्टार्ट करते हैं यार आखिरी बारी से. खुल जा सिंग सिंग. ओ खुल गई. गाइस मस्टैंग जीटी आखिरी बारी कोल्ड स्टार्ट होने जा रही है. जो वो रखा था ना उससे बहुत गंदी हो गई थी तो मैंने कैसे धूल ही देता हूँ. बस अब क्या पानी मारता रहेगा. ओए ये मत बैंक देखे कपड़े में कैसे दिख रहा है वो पानी. एक्चुअली गाइस जीडी तो धुल चुकी है बट इसका नंबर रूनी है ना पक्का फिक्स होगी ना. हाँ भाई फिक्स होगी. अच्छा ये हटेगा फ्रेम. शोर है तो तोड़ दो नहीं ना. हर्ष अगर तोड़ेगा ना जितने की बिकेगी ना उसके पैसे को देने पड़ेंगे. ये ले हर्ष नंबर प्लेट लगाने के पैसे. शुक्रिया. तो गाइस फाइनली हमारी जीटी धुल चुकी है. पापा आखिरी बारी देख रहे हो आप इस गाड़ी को घर में. आज क्यों देख रहे हैं आखिरी बार. क्यों जो चलाएगा वो जब वीडियो बनाएगा तब देखूंगा ना उसे. हाँ गाइस बस इसमें से ना ये हर्ष ये लूसी निकाल देंगे और बाबू भैया निकाल देंगे है ना. हाँ
ये दो चीज ना गाइस कल हम लोग निकाल के देंगे, बिकॉज ये नहीं दे सकते हम लोग। यू के 0700 भी निकाल के देना पड़ेगा भाई, ऐसे थोड़ी ना दे देंगे। रास्ते में हाईवे पे चल के जाएगी और फिर हम लोग ये निकाल के देंगे गाइस। इतने सारे लोग इसके पीछे पड़ जाएंगे ना, हमें पता है, तो इसीलिए ये चीज निकाल के देंगे। बट चेक दिस आउट, कितनी सुंदर लग रही है। पापा मम्मी आखिरी बारी, कोई बात है। पापा बोल रहे थे ना जाने से पहले बैठे नहीं, एक बार बैठ जाओ इसके, फिर आपकी तमन्ना भी पूरी हो जाएगी। चलानी है चला तो चलो पापा, थोड़ी सी चलाएंगे बाहर तक निकालेंगे पापा। तो गाइस आखिरी बारी पापा बस टैंक, अरे वहां तक निकालेंगे ना पापा, कुछ नहीं हो रहा है। अरे चलो ना पापा, फिर चली जाएगी, फिर मत बोलना। दूसरी वाली चलाऊंगा इसको, जिसके पास जा रही है उसके पास जान कर। इसके तो पैसे भी आ गए, आराम से चलानी पड़ेगी। आफत है अंकल जी। कौन सी? पापा ईवो लैम्बोर्गिनी हरिकेन आफत है, इससे चार गुना फास्ट। फास्ट है ना? अब मेरे फास्टनेस याद है? जिस पे FIR हो गई थी, जिस पे DG ने मेरा चालान काटा था। लेकिन मुझे याद है वो इंस्पेक्टर रावत जी थे। ओके, उन्होंने बहुत अच्छे से बात की। पापा मुझे ही पुलिस वाले मिले थे, इतने अच्छे से बात करते ना गाइस। ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टू पुलिस ऑफिसर्स। फिलहाल अभी लेके चलते गाइस। ओके बॉयज, निकल चुके हम लोग। एंड आजकल मेरे को पसीना बहुत ज्यादा रहा क्योंकि डोलो खा करके सीन चल रहा है पूरा। फिलहाल निकल रहे गाइस, अभी हम लोग जा रहे लकी भाई के पास, वहां पर आज हमारी पार्टी है गाइस। एक चीज की जा करके बताऊंगा। ओके गाइस बाय बाय, सी या, मिलते सी या। आखिरी बारी बाय बाय कर रहे हो GT को? सुबह तो आएगी गाइस, आखिरी लाइट, लास्ट राइट से दूसरे वाले की तरफ। ऐसे नहीं बोलते करके ना हमारे अंदर ही वो डल जाए। ऐसे नहीं करे। सो गाइस निकल चुके हम लोग GT पे, और ये जो लाइट आप देख रहे हैं ना भाई, I'm gonna miss these lights भाई। ये जो छत थी ना, ये जो घोड़े का लोगो, एवरीथिंग अबाउट दिस कार वाज सो स्पेशल। एंड ये मेरी पहली सुपर कार थी जिंदगी की जिसके साथ लाइक आई केम अपॉन द सेगमेंट। जब मैंने खरीदी थी ना, मुझे लगा था भाई क्या रोड अटेंशन है, इस गाड़ी ने इतनी ज़्यादा लाइक अहमियत दिया और पहचान दिया ना मुझे। लोगों को पता था ये ग्रीन और ब्लैक मस्टैंग है तो ये बाबू भैया की है। बाहर लेकर के ना हर एक बंदा इसे पहचानता था। इसका नाम लूसी था ना, हमारी जो लैम्बो आ रही है ना गाइस, उसका नाम भी हम लोग लूसी रखेंगे, क्योंकि आपको पता है ये जा नहीं रही है, बस अपग्रेड हो रही है एक मॉन्स्टर में भाई। हर चीज छत याद आएगी, लेकिन कोई नहीं, उसमें भी करवा लेंगे। कन्वर्टेबल है वो, कन्वर्टेबल में कैसे कराएंगे? उसकी तारे ना शायद आपके भाई से फिक्स करवा लेंगे। जैसे वो कन्वर्ट करेगी ये लाइट ऑटोमेटिकली चल जाएगी। लेकिन हमें ना एक चीज़ की टेंशन थी कि हमारे पास कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं थी जो कन्वर्टेबल हो। सो अब लैम्बो वो सपना पूरा करेगी, बट आखिरी राइड, पटाखे फोड़ने तो बनते हैं। फिलहाल अभी फ्यूल अप कराते हैं, बिकॉज चेक दिस आउट, केवल 40 किलोमीटर का फ्यूल अप है, तो भी मस्त इस पे पेट्रोल डलाते हैं फ्यूल स्टेशन में जाकर के। ओके बॉयज, नाउ इज द टाइम। उस टाइम पे बिकॉज सारी यादें रही है गाइस। जयपुर से लेकर के हमने इसे कहाँ कहाँ लेके गए? जयपुर लेके गए, और बस जयपुर ही गई है। दो बार जयपुर गई है गाइस। ज्यादा लंबा तो वैसे भी नहीं खींच सकते थे, बट इस गाड़ी ने ना सच्ची में गाइस पहचान दिलाई है मेरे नाम को। लूसी यू विल बी रिमेम्बर्ड। लाल अभी फ्यूल केवल ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर का रह गया, तो फ्यूल स्टेशन पे रुकते हैं। ओके बॉयज, GT पे फ्यूल डल रहा है, एंड हम लोग ने ऐसे घर से धो करके निकले थे। चेक दिस आउट, क्या हालत हो चुकी है इसकी, वापस से पूरी गंदी हो चुकी है। एक्चुअली गाइस इस पे ना पूरा धूल धूल हो गया, हम लोगों ने पानी से धुली थी, बट आते टाइम ना पूरी धूल चिपक गई गाइस इस पे। चेक दिस आउट, घर से धो करके निकले थे और क्या हालत हो रखी है। गीली में ना हमें से बाहर निकालनी नहीं चाहिए, बिकॉज धूल ना इस पे वैसे ही जम जाती है। तो गाइस लूसी को हम लोगों ने क्लीन कर दिया। चेक दिस आउट, हम लोगों ने इसे पेट्रोल से साफ कर दिया और ये मस्त लग रही है। सिद्धू मूसेवाला जी का ना एक गाना था कि लास्ट राइड, एंड दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली गोना हैपन टुडे। लास्ट राइड ऑन लूसी गाइस। बॉयज हम लोग लूसी को क्लीन ही कर रहे थे, और चेक दिस आउट, हमें मिले एक भाई, इनका वॉलपेपर चेक करो भाई। ये हमारा कब आसाम ट्रिप पे गए थे तब से, ये
देख रहे हो भयंकर हार्ड कोर ब्रो सेना के मेंबर वॉलपेपर लगा के घूम रहे हैं। मुझे लगता था लौंडे केवल अपनी बंदियों का ही वॉलपेपर लगाते हैं, बट होनी भी तो चाहिए भी। सही भाई मेरी भी नहीं है, कोई बात नहीं, दोनों सिंगल ही मरे। फायदा भी नहीं है, नहीं मैं नहीं मरूंगा भाई, तुम ही मरोगे, मेरे को तो मिल जाएगी उस टाइम में। सिंगल मरेंगे। चलो मस्त भाई। ओके बॉयज, तो हम लोग रास्ते में, एक चीज जस्ट मैं अपने फैन से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब गाड़ी चल रही होती है ना, प्लीज रोका मत करो। देखो यार, मुझे भी ना टाइम पर जाना होता है, मुझे भी लाइक मेरे भी टाइम कमिटमेंट होते हैं। मैं सच्ची में आज तक कभी टाइम पर कहीं पहुंच नहीं पाता हूं, बिकॉज जब भी मैं बाहर निकलता हूं मैं रुकता हूं अपने फैंस के लिए। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, लाइक रात के टाइम तो खासकर, दिन में तो चलो रुक भी जाएंगे, बट रात के टाइम खासकर स्टिल गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मुझे ना वक्त पर जगह पर पहुंचना पड़ता है। फिर फोटोज़ कराने के लिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार अगर मैं रास्ते में रुकता हूँ ना, तो फिर सब लोगों के साथ फोटोज़ करवानी पड़ती हैं। सो दिस इज़ द ओनली रीज़न मैं रात को ही रुकता हूँ, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट सेफ टू, एंड एट द सेम टाइम गाइज टाइम पर पहुँचना बहुत ज़रूरी है। आपके भी काम होते होंगे, आपको भी टाइम पर पहुँचना होता है, एंड मेरी तो ऐसे रहता है कि 6 बजे पहुँचना होता है, 8 बजे पहुँच रहा होता हूँ। बट बस एक चीज़ की रिक्वेस्ट है गाइज, एंड स्पेशली कार वाले गाइज, पीछा पूछा मत करा करो, बिकॉज रात को ये गाड़ी किसी भी हालत में नहीं रुकने वाली है। फिलहाल गाइज हम लोग पहुंच गए ऑलमोस्ट लकी भैया, क्या कलमिंग इज ऑल्सो देयर। आज फुटेज ले लेंगे कलमिंग की, कलमिंग को बोलेंगे रैप करके दिखा। हर्ष हाँ दिखा देगा तुझे, डिस तो नहीं करेगा अपने भाई को, एक दिन कलमिंग के चैनल से गाना आएगा यू क्विज़र सेवन राइडर डिस्ट्रैक्ट, फिर उसका चैनल भी डेड हो जाएगा। बट आई एम सुपर प्राउड ऑफ माई भाई गाइज, एक दिन जब उसके 1 मिलियन होंगे ना, वह तो खुशी से नाचेंगे, बैंकर फुल सेलिब्रेट करेंगे, बट वो करने ही नहीं देता उसको अपने ना सब, उसको सब कुछ ना अपने दम पर करना है। और यही चीज़ के लिए मैं बहुत प्राउड हूँ उसके लिए, लाइक वो आज तक ब्लॉग में भी नहीं आया, आज तक उसने मेरे नाम का कभी यूज़ नहीं करा। भाई हो तो कलमिंग जैसा, वरना जिंदा तो हर्ष भी है। ये बहुत भयंकर ट्रांजिशन कट रहा है, बिकॉज हम लोग पार्टी कर रहे थे वहाँ, हम लोगों ने ठंडा ठंडा पी लिया, एंड उसके बाद गाइस मेरे गले की जो खांसी थी ना वो रुकना बंद हो गई, वो रुकी ही नहीं। अभी हम लोग रूम पर आए वापस, चेक दिस आउट, मेरे 2 लाल चमन, हर्ष मेरे ATM का पिन लिख लिया फटाफट। गाइस छाती से ना बोला नहीं जा रहा, आई स्वेयर खांस रहा हूँ ना, इतना दर्द हो रहा है ना मेरे को, वो बता भी नहीं। चिल्ला रहे थे ना ऊपर, बहुत गाने गा गा कर माइक पर, किन के गाने गा रहे थे, तेरा भाई माइक पे कलमिंग।
बट तबीयत बहुत खराब है गाइस फिलहाल, अभी बुखार भी हो रहा है। सो वी हैव गॉट अ होम रेमेडी, हर्ष का रुमाल। भाई बॉडी ऐसे जल रही है ना मेरी तो। कितना फीवर होगा हर्ष मेरे को? ओके गाइस बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है एंड फीवर भी आ रहा है, गले में ना बोलने की हिम्मत नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बी सेफ एंड नाइट सेफ एंड कमेंट करना गाइस ताकि मैं जल्दी सही हो जाऊँ यार, बॉडी टूट रखी है, बहुत दर्द हो रहा है छाती में। जल्दी मैं आपको थाईलैंड के बीचेस में घूमता बना सर। थाईलैंड जा रहे हैं।